वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपके साथ फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ और इस चैप्टर का नाम है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर के अंदर दो चैप्टर हैं, हम वो दोनों ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो हमारी स्टोरी है इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टोलन चाइल्डहुड कि किस तरीके से बच्चों का जो बचपना है वो उनसे छिन गया है। तो फर्स्ट स्टोरी अपनी शुरू करते हैं। पहली जो हमारी स्टोरी है वो एक बच्चे के बारे में है, एक बॉय के बारे में, जिसका नाम है साहिब और उसका फुल नेम है साहिब आलम। साहिब आलम जो है वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक रैग पिकर है जो कूड़ा चुनता है। यही उसकी रोजी रोटी है, उसी से उसका घर चलता है। और साहिब आलम जो था वो पहले कहीं और रहता था, वो ढाका में रहता था, लेकिन ढाका में तूफान आ गया था जिसके कारण उसे छोड़ना पड़ा और अब वो यहाँ पर आकर रैग पिकर बन गया था। एक दिन जो इस चैप्टर की जो ऑथर है उसका नाम है एनिस जंग, एक दिन क्या होता है कि एनिस जंग साहिब आलम से मिलती है और उससे बात करती है कि वाई डू यू डू दिस, कि तुम ये क्यों करते हो, इससे क्या मिलता है तुम्हें। तो वो कहता है साहिब आलम कि यही मेरी रोजी रोटी है और मैं क्या कर सकता हूँ। फिर एनिस जंग कहती है तुम स्कूल भी तो जा सकते हो, तुम पढ़ाई कर सकते हो। फिर वो कहता है साहिब आलम कि मेरे घर के आसपास मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जिस दिन स्कूल आ जाएगा मैं स्कूल जाना शुरू कर दूँगा। फिर एनिस जंग जो होती है वो मजाक में ही बोलती है अच्छा अगर मैंने एक स्कूल बना दिया तो क्या तुम आओगे। तो साहिब आलम कहता है हाँ ऑफकोर्स ज़रूर आऊँगा मैं और वहाँ आके पढ़ाई भी करूँगा। फिर एक दिन क्या होता है आपस में ये दोनों फिर मिलते हैं एनिस जंग और साहिब आलम। तब साहिब आलम एकदम से भागता हुआ आता है इसके पास, एनिस जंग के पास, कहता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। तब एनिस जंग होती है वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, थोड़ा उसे बुरा लगता है कि यार मैंने तो मजाक में ही इसे बोल दिया था, अब मैं स्कूल कहाँ से बनाऊँगी। तो वो उसे बोलती है कि स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे थोड़ा टाइम दो। एक महीने बाद एनिस जंग जो थी वो फिर से साहिब से मिलती है और उससे उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो वो बताता है कि मेरा पूरा नाम जो है वो है साहिब आलम। फिर वो बोलता है लेकिन मुझे इसका मीनिंग तो नहीं मालूम, लेकिन जो एनिस जंग थी उसे उसका मीनिंग मालूम था। इसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे संसार का स्वामी। वो सोचती है अगर इस बच्चे को इसके नेम का मीनिंग पता लगेगा तो वो उस बात पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेचारा उस बच्चे के पास कोई ढंग का रोज़गार नहीं है, ना वो स्कूल जाता है, उसकी लाइफ जो है इतनी प्रॉब्लम से भरी हुई है। तो वो अपने इस अपने जो नाम है उसकी मीनिंग पे कैसे बिलीव करेगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि एनिस जंग पूछती है साहिब आलम से कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। फिर साहिब बोलता है कि आज मेरी मम्मी ने ना चप्पल निकाल के नहीं दी, वो इस कारण मैं आज चप्पल पहन के नहीं आया। लेकिन साहिब के साथ एक बच्चा होता है और वो बॉय बता देता है कि अगर इसकी मम्मी से चप्पल निकाल के भी दे देती ये फिर भी नहीं पहनता, क्योंकि इसकी आदत है। एक्चुअली चप्पल ना पहनना इन लोगों का एक ट्रेडिशन था, ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी के कारण ये एक चप्पल नहीं खरीद सकते, लेकिन एक ट्रेडिशन बन गया था कि रैग पिकर्स जो थे मोस्टली वहाँ पर चप्पल नहीं पहना करते थे। ये बात एनिस जंग को बहुत ही बुरी होती लगती है कि यार ये बच्चे बेचारे क्या इतने गरीब हैं जो चप्पल नहीं खरीद सकते, लेकिन उसे मालूम होता है कि एक ट्रेडिशन बन चुका है। उसी समय एनिस जंग जो थी उसे एक स्टोरी याद आती है कि एक व्यक्ति था उस जो उदीपी शहर में रहता था, उदीपी जगह थी, उस पर्सन ने बताया था कि जब मैं छोटा था तो एक पेयर शूज़ के लिए मैं तरस गया था। वो जब भी स्कूल जाता था तो वो टेंपल से होकर गुजरता था और उसके पिता जो थे वो एक पुजारी थे। वो बच्चा हमेशा उस टेंपल के सामने हाथ जोड़कर भगवान से यही दुआ मांगता था कि मुझे एक पेयर शूज़ मिल जाए। फिर एक बार क्या होता है कि वो व्यक्ति जो था 30 साल बाद अपने गाँव जाता है, उदीपी जाता है, तो उस उदीपी जगह पर वो देखता है कि वहाँ पर वाइट और रेड कलर की प्लास्टिक की चेयर इधर उधर बिखरी पड़ी है और एक छोटा बच्चा जो है वो ग्रे कलर की कपड़े पहना होता है, वो अपनी स्कूल ड्रेस पहन के आता है। और जैसे ही वो वहाँ पर मंदिर तक जाता है और उसके वहाँ पर एक खाट पड़ी होती है, उस पर वो अपना बैग उठा के फेंक देता है वो बच्चा एकदम से, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि थैंक यू भगवान,
अब मुझे ये जो है एक पेयर शूज़ मिल गए हैं, अब मैं कभी भी इन शूज़ को गुम नहीं करूँगा। तब उसे जो हमारी राइटर है उसे ये बात याद आती है कि आज भी हम जिस जगह मैं रह रही हूँ वहाँ कुछ बच्चे बेयर फुट हैं, नंगे पैर घूमते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग तो गरीबी के कारण चप्पल और जूते नहीं पहनते और कुछ लोग जो ट्रेडिशन बनाकर चप्पल जूते नहीं पहनते। एनिस जंग को इन बातों से उसे फिर सीमापुरी की याद आती है कि सीमापुरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोग, मोर देन 10,000 लोग जो हैं वो रैग पिकिंग करते हैं, और वहाँ पे जो लोग थे मोस्टली बांग्लादेश से आके वहाँ रहने लगे थे। तो साहिब आलम जो है उसकी फैमिली भी इन्हीं में से एक है जो बांग्लादेश से आए थे और यहाँ आकर बस गए थे। यहाँ के जो घर थे वो बहुत ही बुरी हालत में थे, उनके छतों पर तिरपाल लगी होती थी, घर जो थे वो मिट्टी के बने हुए होते थे, ना तो सीवर थे वहाँ पर, ना नालियाँ थी, मतलब वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ पर लोग जो थे मोर देन 30 ईयर्स से भी पहले रह रहे थे, लेकिन उनके पास उनका पहचान पत्र नहीं था और उनके पास बस एक राशन कार्ड हुआ करता था। राशन कार्ड भी उन्होंने इसलिए बनवाया था ताकि उससे उन्हें अनाज मिल सके। उन लोगों का मानना था कि आइडेंटिटी से ज़्यादा हमारे लिए भोजन और ये ग्रेन्स ज़रूरी हैं, इसलिए उन्होंने राशन कार्ड को इम्पोर्टेंस दी और पहचान पत्र को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये जवाब वहाँ की महिलाएं देती हैं कि फूड जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी से ज़्यादा। एक्चुअली जो सीमापुरी की लाइफ है वो बहुत ही ख़राब है, हेल जैसी है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ जाता है और वहाँ रहने वाले लोग जो हैं मोस्टली रैग पिकिंग का ही वर्क करते हैं और आज उनके लिए वो कला बन चुकी है। एक दिन साहिब आलम जो था वो फिर से एनिस जंग से मिलता है और कहता है कभी कभी मुझे रैग पिकिंग करते हुए 1 रुपये मिल जाता है या फिर कभी कभी तो 10 रुपये का नोट मिल जाता है। तो वो कहता है कि ये जो कूड़ा है वो मेरे लिए कूड़ा नहीं है, वो मेरे लिए गोल्ड है, क्योंकि यहाँ पर उसे पैसे मिल जाते हैं तो उसकी आँखों में एक चमक आ जाती है और उसे लगता है कि मुझे और पैसे भी मिल सकते हैं। तो ये रैग पिकिंग जो था सिर्फ उसके लिए सर्वाइवल नहीं था बल्कि ये उसके लिए एक गोल्डन चांस है कि वो अपने रोजी रोटी को सही से चला सकता है। फिर एक दिन क्या होता है कि फिर से एनिस जंग जो होती है वो साहिब आलम को देखती है कि साहिब आलम जो है वो किसी नेबर के किसी क्लब के पास खड़ा है। वहाँ पर एक क्लब था, क्लब का मतलब यहाँ पर टेनिस से है कि वहाँ लोग टेनिस खेला करते थे। टेनिस क्लब में 2 लड़के थे, वो वाइट कपड़े पहने होते थे, वाइट कलर के शूज़ पहने हुए थे। तो साहिब आलम जो था वो हमेशा उनको छुप छुप के देखा करता था और जब वहाँ कोई नहीं होता था तब वो अंदर भी चला जाता था। तब उसी टाइम एनिस जंग थी वो देखती है कि आज साहिब आलम ने शूज़ भी पहने हुए हैं। साहिब आलम के पास वो शूज़ थे वो किसी अमीर लड़के ने उसे दिए थे क्योंकि उसमें एक छोटा सा छेद हो गया था, लेकिन साहिब आलम के लिए तो वो छेद वाला जूता भी उसके लिए एक सपने जैसा था और वो उसे पहना करता था चाहे उसके कपड़ों पर वो सूट करे या ना करे। साहिब आलम उस खेल को अंदर से वो खेलना चाहता था लेकिन वो खेल उसकी पहुंच से बाहर था। फिर एक सुबह एनिस जंग साहिब आलम को देखती है कि साहिब आलम जो है हाथ में कनस्तर पकड़े हुए जा रहा है, वो दूध बूथ की ओर जा रहा होता है दूध लाने के लिए। एनिस जंग को मालूम होता है कि अब ये एक टी स्टॉल पे काम करने लगा है, लेकिन फिर एनिस जंग उससे पूछती है क्या तुम इस काम से खुश हो। लेकिन फिर वो देखती है कि जो साहेब है उसके फेस पे वो केयर फ्री जो लुक था, जो हर काम में वो मस्त होकर काम करता था, वो चीज़ उसके चेहरे से खो गई है। उसके चेहरे पर एक असंतुष्ट का भाव होता है और फिर एनिस जंग को मालूम पड़ जाता है कि शायद ये इस काम से खुश नहीं है, क्योंकि वो उसे देखती है कि जो उसने हाथ में कनस्तर पकड़ा हुआ है उसे वो बहुत भारी लग रहा है। उसका फेस जो है उसे ऐसा शो करवा रहा है कि वो काम ज़बरदस्ती कर रहा है। और जब वो अपने पीठ पर रैग पिकिंग करते हुए एक थैला रखता था चाहे वो कितना भी भारी होता था, लेकिन उसके फेस पर वो चीज़ नज़र नहीं आती थी। कहने का मतलब है कि साहिब आलम को वो कनस्तर ज़्यादा भारी लग रहा था क्योंकि वो कनस्तर उसका नहीं था, उसके मालिक का था जिसके वहाँ पर वो काम करता था, लेकिन जो बैग वो रैग पिकिंग करते हुए ले जाता था वो बैग उसका था। यहाँ पर मीनिंग हमें यही समझ आती है कि जो
व्यक्ति साहिब आलम एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी के अंडर रह के काम नहीं करना चाहता था, दरअसल वो खुद का काम ही करना चाहता था। इस कारण उसे अपना काम रैग पिकिंग करते हुए वो खुश था, अपने उस छोटे से काम में भी खुश था। उसे वो बैग जो था वो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता था, लेकिन उसे आज कनस्तर जो बहुत हैवी लग रहा है। तो उसका जो चाइल्डहुड है, उसका वो बचपना है, वो सारी चीज़ें उससे छिन चुकी है। हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है वो यहीं ख़त्म होती है। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब जो स्टोरी स्टार्ट होगी हमारी वो मुकेश के बारे में है। मुकेश एक बॉय है और वो जिद करता है कि मैं खुद का मालिक बनूँगा, मैं मोटरों का मिस्त्री बनूँगा। वो कहता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। और वो ये सारी बातें किससे कर रहा है, वो सारी बातें हमारी जो राइटर है वो उससे कर रहा है। आगे फिर वो राइटर, हमारी जो राइटर है एनिस जंग, वो पूछती है अच्छा तुम्हें क्या कार चलानी आती है? तो कहते हैं कोई नहीं, चलानी तो नहीं आती लेकिन मैं सीख लूँगा। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि मैं सीख लूँगा। लेकिन जो एनिस जंग होती है उसको ऐसा फील होता है कि ये इसके सपने जो हैं, जिस तरीके से फिरोज़ाबाद के में एक डस्ट भरी पड़ी है, वहाँ सिर्फ लोगों को चूड़ियाँ बनाना आता है, तो वो उसके सपने को भी ऐसे ही ले लेती है कि इसके सपने भी इन्हीं धूल में कहीं खो ना जाए, उसे ऐसा फील होता है। फिर वो बताती है कि फिरोज़ाबाद जो है वो एक सेंट्रल एरिया है जो ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और यहाँ पे जो फैमिलीज़ होती हैं, मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ जो होती हैं वो चूड़ियाँ बनाने का ही काम करती हैं। इसके अलावा वो फर्नेंस, वेल्डिंग, ये सारे काम उसमें किए जाते हैं। और जितनी भी लेडीज़ होती है वो अपने घर में चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करती हैं। उनका जो मेन काम है चूड़ियाँ बनाने का है, क्योंकि ग्लास इंडस्ट्री के लिए फिरोज़ाबाद जो है बहुत ही फेमस है। फिरोज़ाबाद की कंडीशन जो थी बहुत ही ख़राब थी, जहाँ पर भी वो लोग चूड़ी बनाते थे ना तो लाइट थी ना ही हवा थी, और जो कमरा होता था बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर का होता था। अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो वो प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ बच्चों को काम करना बिल्कुल मना होता है। अगर लॉ लागू किया जाए तो वहाँ से उन बच्चों को निकाला जा सकता है। एक दिन मुकेश आता है एनिस जंग के पास और कहता है कि आप मेरे घर चलोगे? तो एनिस जंग रेडी हो जाती है उसके घर जाने के लिए, और वो देखते हैं कि फिरोज़ाबाद की गलियों में जो घर हैं उसमें आधे से ज़्यादा घरों में ना तो गेट हैं, अगर गेट भी हैं तो वो टूटे फूटे हैं, घरों की हालत बहुत ही ख़राब है। जब एनिस जंग मुकेश के घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर में एक दुबली पतली सी औरत जो है वो खाना बना रही है। वो दुबली पतली सी औरत जो है मुकेश की भाभी होती है, वो चूल्हे पे खाना बनाती है, उसकी आंखों में सिर्फ धुआं ही धुआं जा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी एनिस जंग को देख कर एक स्माइल पास करती है। वो जो उसकी भाभी होती है उसकी एज बहुत ही कम है, लेकिन उस पर तीन लोगों की जिम्मेदारियां हैं, एक मुकेश की, एक मुकेश के पापा की और एक मुकेश के भाई की। उसकी शादी जल्दी हो गई थी। तो ये कंडीशन दिखा रहा है कि फिरोज़ाबाद के लोगों की कंडीशंस कैसी होती है। इसके अलावा जब वो मुकेश के पापा से मिलती है, मुकेश के पापा जो हैं वो पहले टेलर का काम करते थे, लेकिन अब वो भी चूड़ियों का ही काम करते हैं। मुकेश के पापा अपनी लाइफ में ना तो घर बना पाए ना बच्चों को एजुकेशन दे पाए, लेकिन हाँ जो चूड़ियों की कला उन्हें आती थी वो अपने बच्चों को उन्होंने सिखा ज़रूर दिया। एनिस जंग जो कि राइटर है वो देखती है कि एक लड़की बैठी हुई है जिसका नाम है सविता। वो गंदे पिंक कलर के कपड़े पहनी होती है और उसके हाथ जो है मशीन की तरह काम करते हैं। वो जो कांच के टुकड़े होते हैं उनको टाका लगाती है और बिल्कुल फटाफट वो अपना सारा काम करती है, लेकिन उस लड़की के चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, ऐसा लग रहा था वो कितनी उदास है। और फिर उसी समय एनिस जंग सोचती है कि लड़की जो चूड़ियाँ बनाने का काम करती है, क्या इसे चूड़ियों का मीनिंग भी पता है कि चूड़ियाँ जो है सुहागन की निशानी होती है? फिर वो कहती है कोई बात नहीं, एक दिन सबका टाइम आता है जब इसके सर पर लाल चुन्नी ओढ़ाई जाएगी, इसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी और इसे लाल लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएगी, तब इसे पता लग जाएगा कि चूड़ियों की इम्पोर्टेंस क्या होती है, चूड़ियों की पवित्रता के बारे में इस लड़की को भी ज्ञान हो जाएगा। तभी एनिस जंग का ध्यान उस लड़की के बगल में बैठी हुई एक बुढ़िया पे जाता है, और वो बुढ़िया उसे एनिस जंग को बोलती है, जो ओल्ड वुमेन होती है, कि बेटा मुझे तो आज तक अपनी पूरी लाइफ में एक टाइम का सही से भोजन नहीं मिल पाया, मैं अब मेरे जो पति है उसने मुझे चूड़ियों के अलावा और भी कुछ और कुछ नहीं दिया है, ना तो मैं अपने लाइफ में सही से खाना खा पाई ना ढंग से रह पाई। तब ये एनिस जंग को ये सब चीज़ें देख के थोड़ा सा बुरा लगता है कि सच में यहाँ के लोगों की लाइफ जो है बहुत ही ख़राब हो रखी है। वहाँ एक लड़कों का ग्रुप था कि आप लोग एक साथ मिलकर
संगठित क्यों नहीं हो जाते और संगठित होकर आप कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते। तो वो ग्रुप बताता है कि अगर हम संगठित होकर कोई भी काम करेंगे तो पुलिस वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पुलिस वालों की नज़र में ये सारे जो है वो इलीगल वर्क है। फिर वो भी सोचती है एनिस जंग कि ये लोग भी सही कह रहे हैं। फिर वो कहती है कि लोग जो हैं वो दो कारण से गरीब होते हैं, एक तो वो परिवार जो पहले से गरीबी के जाल में फंसा होता है और जो अपने जाति के कलंक में फंसा होता है, मतलब जाति में फंस कर कि इस जाति के लोग यही काम करेंगे तो उन्हें हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करना पड़ता है। एक तो वो फैमिली गरीब बन जाती है, दूसरी वो फैमिली गरीब बन जाती है जिसे साहूकार बिचौलिए या फिर पुलिस वाले आगे नहीं बढ़ने देते, वो उन पर बोझ और दबाव डालते रहते हैं। फिर वो एक बात को लेकर सिर्फ खुश होती है जो एनिस जंग है कि मुकेश एक ऐसा लड़का है यहाँ पर जिसकी आंखों में सपना है और वो खुद का मालिक बनना चाहता है, वो कार चलाना सीखना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिर मुकेश आकर उसके पास यही बात रिपीट करता है, कहता है कि मैं गैरेज में जाके कार को चलाना भी सीखूंगा और कार को ठीक करना भी सीखूंगा। फिर लेकिन गैरेज जो होता है उसके घर से बहुत दूर होता है, तो मुकेश रिप्लाई करता है कि कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के जाऊँगा लेकिन सीखूँगा ज़रूर। फिर एनिस जंग उससे पूछती है, अच्छा क्या तुम एरोप्लेन चलाना भी सीखना चाहते हो? लेकिन जो मुकेश होता है वो ज़मीन की ओर सर करके कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ कार चलाना सीखना चाहता हूँ। क्योंकि उन दिनों क्या था कि फिरोज़ाबाद या आसपास के इलाके से भी जो एरोप्लेन होकर गुजरता नहीं था, तो इसका सपना जो था वहाँ के लोगों में नहीं था। तो इस स्टोरी में हमें इतना ही बताया गया है कि किस तरीके से फिरोज़ाबाद के लोग जो हैं वो सिर्फ चूड़ियाँ बनाने में ही बिजी हैं, उनके सपने जो हैं वो कहीं खो गए हैं। लेकिन मुकेश उनमें से एक ऐसा बच्चा है जो सपना देखता है और उसे पूरे करने की उसमें इच्छा भी होती है। तो ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।